अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनार बिल्फ़िक़्हि दुरूबस्सालिहीन इला मरदाति रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक अला मन क़ाला मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व मन इह्तदा बिहुदा इला यौमिद्दीन। قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ वाजिब एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्ग हजरात, मिल्लत के नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दानशी ख़वातीन, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा मौजू तवहम परस्ती की हकीकत। मुआज़्ज़ज़ सामीन, हम सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बंदे, हम सब पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बंदगी वाजिब है। उस माबूद हकीकी के अलावा किसी की बंदगी जायज नहीं। हमारी सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में गुजरे, ये हम सब का मकसद होना चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इसी का नाम तौहीद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी कैसे की जाए, उसका सलीका क्या है, आदाब क्या है, ये सारी तफासील बताने और सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। इसी को हम रिसालत कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे और रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबिया व रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के इस सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के भेजे हुए रसूलों को मानना, उनके उस्वा की रोशनी में जिंदगी गुजारना, यही इस्लाम है। और इस्लाम इंसान का असली मजहब है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम की काबिलियत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे या तो यहूदी बना लेते हैं, या नसरानी बना लेते हैं, या मजूसी बना लेते हैं। पैदाइशी हमारी फितरत तो सलीम थी ही, जैसे हम बड़े होते गए वालिदैन के अकायद और तकालीद का भी हम पर असर रहा, और जो माहौलियाती रस्म व रिवाज होते हैं उसका भी हम पर असर होता रहा। इसी कबील की चीज है तवहुम परस्ती। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इस्लाम एक जामे मजहब है जिसकी तालीमात अपनी जगह एक इम्तियाजी हैसियत रखती है। इस्लाम अपने मानने वालों को वक्ती जज्बात और आरजी और ज़ाहरी कामों के बजाय दायमी और हकीकी चीज़ों को इख्तियार करने की तालीम देता है। बेमकसद जिंदगी गुजारने और बेलगाम होकर जीने से रोकता है। अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसके दीन की सरबुलंदी में मिटाकर अबदी सआदत और कामयाबी व कामरानी से हमकिनार होने का सबक इस्लाम हमें देता है। ये दुनिया फना होने वाली चीज है। इस दुनिया की जितनी भी रंगीनियां हैं, जितनी भी रानाइयां हैं, ये सारी की सारी एक ना एक दिन मांद पड़ने वाली है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तवहुम परस्ती क्या है? जिस चीज की कोई हकीकत नहीं है, जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, उसकी हकीकत को, उसके वजूद को मानने का नाम तवहुम परस्ती है। या किसी चीज में कोई तासीर ही नहीं है, लेकिन उस चीज में तासीर को मानना, तासीर का एतिकाद रखना, यही तवहुम परस्ती है। यह कहा जा सकता है कि जहालत की वजह से गैर अकली अकायद पर यकीन रखना, जैसा कि आमतुन्नास में यह मारूफ है कि तरह तरह के पत्थरों में तरह तरह के असरात होते हैं, सितारों में असरात होते हैं। ये जो एतिकाद होता है ये बातिल भी होता है और ये तवहुम परस्ती भी होती है। तवहुम परस्ती की वजूहात अगर हम इंसानी तारीख को उठाकर देखते हैं तो दो हमें नजर आती हैं। पहली वजह इल्म की कमी और दीन के अहकामात से नावाकिफियत। दूसरी जो वजह हमें नजर आती है वो ये कि एक तवील जमाने तक मुसलमानों का गैर कौमों के साथ रहना बसना, क्योंकि तहवहुम परस्ती गैर कौमों में एक आम सी चीज है। अगर देखा जाए मौजूदा साइंसी दौर में जहां हर वाक़े को और हर नज़रिए को दलील और हकीकत की रोशनी में जो है परखा जाता है, ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में भी वो ममालिक जो मादी एतिबार से तरक्की याफ्ता माने जाते हैं, उन ममालिक में भी ये तवहुम परस्ती बिल्कुल आम हमें नजर आती है। मिसाल के तौर पर चाइना में आठ का जो हंदसा है उसको मुबारक समझते हैं और चार के हंदसे को मनहूस समझते हैं। स्पेन में मंगल के दिन महीने की 13 तारीख अगर आती है तो कौमी तौर पर उसको बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। आयरलैंड में दुल्हनें अपने जेवरात में या अपने मलबूसात में छोटी सी घंटी जो है वो बांधती हैं और उसको खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। रूस में खाली बाल्टी को ले जाने को बुरा शगुन जाना जाता है। फिनलैंड में लोग यकीन रखते हैं कि अगर मकड़ी को मार दिया जाए तो अगले दिन बारिश होगी। पुर्तगाल में लोग समझते हैं कि उल्टा चलने से बुराई हमारा रास्ता देख लेती है। मसर में खाली कैंची चलाने को बुरा समझा जाता है क्योंकि इससे हवा में मौजूद बदरूहें कट जाती हैं जिसके बायस उनको गुस्सा आता है। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के लोग शादी के बाद घर के बाहर सनोबर का दरख्त लगाते हैं कि ये दरख्त उनके इज़दिवाजी ताल्लुकात में मजबूती लाएगा। बरतानियों में अगर आप देखें चूंटियों की आमद बुरे मौसम के तौर पर लिया जाता है और चूंटियों का एक कतार में चलने को वो बारिश होने की अलामत समझते हैं। और इसी तरीके से मगरिब में अगर आप लेते हैं सफ़ेद मुर्गी, उनके पास जो है अच्छा शगुन है और वही अगर काली मुर्गी है तो वो उनके यहाँ बुरा शगुन है। और इसी तरीके से मुआज़्ज़ज़ सामीन हिंदो पाक में अगर आप लेते हैं शाम के वक्त झाड़ू लगाने से गुरेज करना कि ऐसा करने से दौलत कम हो जाती है। और इसी तरीके से मर्द की दाएं तरफ की आंख अगर फटकने लगती है या औरत की बाएं तरफ की आंख जो है फटकती है तो दौलत की निशानी जो है इसको समझा जाता है। और इसी तरीके चारपाई पर बैठकर पांव लटकाकर नीचे लटकाकर हिलाने को दौलत के चला जाने से ताबीर किया जाता है। और इस तरीके के कई सारे तवहुमात हैं जो खुद हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ममालिक में गैरों में भी उतने ही पाए जाते हैं और उतने ही जो है मुसलमानों भी हमें नजर आते हैं। चुनांचे शायर ने कहा, हमको भरम ने बहरे तवहुम बना दिया, दरिया समझ के कूद पड़े हम सराब में। तवहुम परस्ती आम होने में मीडिया का भी अपना किरदार है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है, प्रिंटिंग मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी के हाथ में जो है मोबाइल है, जिसमें कई सारे गेम्स ऐसे बनाए जाते हैं और कई सारे ऐसे कार्टून्स बनाए जाते हैं और कई सारे ऐसी कहानियां जो है उसमें बनाई जाती हैं जिनको सुनकर देखकर जो बेहकीकत चीज़ें होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उन चीज़ों में आदमी एतिकाद करना शुरू कर देता है। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामाईन, आज अगर आप रोज़नामा देखेंगे तो उसमें सितारों के ताल्लुक़ से बातें होती हैं, कुंडलियों के ताल्लुक़ से बातें होती हैं। और इसी तरीके से कि आज तुम्हारा दिन बुरा गुजरेगा या अच्छा गुजरेगा, इसका भी तज़किरा होता है। और इन सारी चीज़ों के पढ़ने वाले लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनमें हमारे मुसलमानों की तादाद भी बड़ी है। जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों को मालूम करने के लिए नुजूमी के पास जाने से मना फरमाया है, और सख्त वईद जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। और ये वो तवहुमात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अकायद आपको जो फलसफे पर मबनी अकायद आपको मालूम होंगे। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्लामा इकबाल ने कहा था, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हमें अल्लाह सुब्हाना हु तआला की ज़ात में यकीन रखना चाहिए। अब इन तवहुमात से हम कैसे नजात पाएं, इसका शरई हुक्म क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, दीन इस्लाम में तवहुमात को सख्ती से मना किया गया। इस्लाम से कबल अरबों में भी इस किस्म की तवहम परस्ती पाई जाती थी। अरब के लोग बेटी की पैदाइश को वो बुरा शगुन मानते थे। चुनांचे कुरान इसी का तज़किरा करते हुए फरमाता है, इदा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। और इसी तरीके से अरब के लोग घर में दरवाजे से दाखिल होने के बजाय पिछवाड़े की तरफ से दाखिल होने को वह अच्छा शगुन जानते थे। और इसी ज़िम्न में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होती है तो लोगों में कुछ चेबीगुयाँ होने लगती हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए फरमाते हैं, इन्न शम्स वल क़मरा आयतान मिन आयातिल्लाह ला यखसिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयातिही फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिका फ़दउल्लाह वकब्बिरू वसल्लू वसद्दकू वतसद्दकू। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज गहन और चांद गहन किसी की मौत पर या किसी की पैदाइश पर जो है ये वजूद में नहीं आते। अगर तुम सूरज गहन देखो, चांद गहन देखो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह सुब्हाना हु तआला से दुआ करो, अल्लाह सुब्हाना हु तआला की किब्रियाई बयान करो, और नमाज पढ़ो, और सदका व खैरात दो। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन, गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा तवहुमात पर यकीन करना दर हकीकत तकदीर पर यकीन का रद है। कोई भी दिन, कोई भी पत्थर, कोई भी बशर, कोई भी चरिंद या परिंद या सितारे, सूरज, चांद, कोई भी ले लें आप, इनमें से कोई भी चीज नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। अल्लाह सुब्हाना हु तआला ने इरशाद फरमाया मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। तुझे जो भलाई या फायदा पहुंचे तो अल्लाह सुब्हाना हु तआला की तरफ से है, और तुझे जो बुराई या नुकसान पहुंचे वो तेरे नफ्स की तरफ से है, यानी तेरे बुरे आमाल के सबब से। अब मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इस माह में, माह सफ़र में राइज कुछ खुराफात को, तवहुमात को भी हम सुनते आगे बढ़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, माह सफ़र और खुसूसन इस माह की इब्तिदाई 13 दिन को 13 तेज़ी के नाम से जाना जाता है, और इन 13 दिनों को मनहूस समझा जाता है। और इन 13 दिनों में सैकड़ों किस्म के आफात और बलाएं जो है नाजिल होती हैं, इसका एतिकाद रखा जाता है। बल्कि इस उनके तवहम को साबित करने के लिए हदीसों को घड़कर भी सुनाया जाता है। और इसी माह में अगर आप ले गए जो शुरू के 13 दिन हैं, किसी से शादी का रिश्ता तय नहीं किया जाता, शादी नहीं की जाती, और जिनकी शादी हो चुकी होती है उन शौहर और बीवी को जुदा रखा जाता है और ये एतिकाद रखा जाता है अगर ये मिलकर रहेंगे तो इनकी इज़्दिवाजी जो जिंदगी है वो ख़राब हो सकती है। और इसी तरीके से इस महीने के जो 13 दिन शुरू के हैं उसमें किसी जगह का सफ़र नहीं किया जाता या दुकान मकान की इफ्तिताह जो है इस इन 13 दिनों में नहीं की जाती। इसकी वजह है इन 13 दिनों को वो मनहूस समझते हैं और इनमें अगर कोई खैर का काम करेंगे तो उसमें बरकत नहीं होगी, ये इनका एतिकाद होता है। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, सफ़र के महीने में आखिरी चहरशुम्बा को लोग अपने अहले खाना के साथ सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। और उनका नज़रिया यह है, उनका कहना यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दिन जो है शिफायाबी मिली थी, जिसकी खुशी ये इस शक्ल में मना रहे हैं। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, सफ़र के महीने में आखिरी चहरशुम्बा को हिंदुस्तान में याद रखें कि खुसूसी तौर पर नफली रोज़ा रखा जाता है और शाम को कचौरी या हलवा पकाकर खाया जाता है। आवाम को इस आवाम में तकसीम भी किया जाता है और इस रोज़े को कचौरी रोज़ा का नाम भी दिया जाता है। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी आखिरी चहरशुम्बे को एक नमाज भी अदा की जाती है जिसको जो है चाश्त के वक्त में अदा करने को कहा जाता है। और कहते हैं कि सूरतुल फातिहा के बाद कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क के बाद की जो दुआ आयते हैं वो तिलावत करनी चाहिए। दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, ये इसकी जो दुआ आयते हैं ये तिलावत करनी चाहिए। और सलाम के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। इसी के पस मंज़र में शायर ने कहा था, हिंद में हिकमत दीन कोई कहाँ से सीखे, ना कहीं लज्जत किरदार ना अफकार अमीक। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद भी इस किस्म के तवहुमात से और मुनकरात से बचें और हत्तल इम्कान जितनी हमारी ताकत हो सकती है दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश करें। अब हम ये जो बदशगुनी है उसके इलाज के ताल्लुक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई बीमारी मुताअद्दी नहीं होती, बदफाली और बदशगुनी की भी कुछ हकीकत नहीं है, ना उल्लू का बोलना कोई बुरा असर रखता है और ना ही माह सफ़र मनहूस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदफाली शिरक है, बदशगुनी शिरक है, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे बतकाज़ाए बशरियत ऐसा वहम ना होता हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कुल की वजह से इसको हमसे दूर फरमा देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने किसी काम से बदफाली की बिना पर रुका उसने शिर्क किया। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने दरियाफ्त किया, इसका कफ़ारा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका कफ़ारा यह दुआ है, और वह दुआ यह है, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। यानी ऐ अल्लाह, तेरी भलाई के अलावा कोई भलाई नहीं और तेरे शगुन के अलावा कोई शगुन नहीं और तेरे सिवा कोई मामूद हकीकी नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदशगुनी, हसद और बदगुमानी इन तीनों चीज़ों के ताल्लुक से फरमाया कि मेरी उम्मत में पाई जाएंगी। और उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी चीज़ के ताल्लुक से तुम्हारे अंदर बदशगुनी हो तो तुम वो काम जो है कर गुजरो। और एक हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ने की भी तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा ला याति बिल हसनाति इल्ला अंता वला यदफउ सय्याति इल्ला अंता वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जिसमें ये बताते हुए मैं आगे बढ़ूँगा कि कोई बीमारी मुताअद्दी नहीं होती, लेकिन हमारे माशरे में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो जो बीमार शख्स होता है उसके करीब भी लोग फटकते नहीं, बल्कि वार्निंग देते हैं बच्चों को कि दादी के पास मत जाना, दादा के पास मत जाना, फलां के पास मत जाना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये तवहम परस्ती की वजह से जो मरीज, जो बीमार हमारी मोहब्बत का, हमारी शफकत का, हमारी हमदर्दी का मोहताज है, हम उसी के साथ ये सख्त रवैया अपना रहे हैं। और इसी तवहम परस्ती की वजह से उस बड़े अजर से हम महरूम हो रहे हैं जिसका जिक्र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया अगर हम किसी बीमार को सुबह जाकर उसकी बीमार पुरसी करते हैं, शाम तक जो है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, और शाम में जाकर हम अगर उसकी बीमार पुरसी करते हैं तो सुबह तक जो है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। और जब तक हम बीमार के पास बैठकर खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहे होते हैं, जन्नत के ताज़े फल हम जमा कर रहे होते हैं। इन सारी जो खुशनसीबियाँ हैं, ये सारे जो फजाइल हैं, इन फजाइल से हम इसलिए महरूम हो रहे हैं कि हमने तवहम परस्ती को जो है पाल रखा है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती जो चीज़ है वो हमारा ईमान है। चुनांचे कुछ भी हो जाए हमें चाहिए कि हम हमारे ईमान को बचाने की कोशिश करें और इस किस्म के जो गलत रस्म रिवाज हैं उनको खुद हम पूरे तरीके से छोड़ दें। और अगर हमारे साथियों में है, हमारे माशरे ख़ानदान में है, तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश हम करें। आखिर में मैं इस शेर से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, कुछ रहे ना रहे पर तमन्ना है हमारी, आखिरी वक्त सलामत हमारा ईमान रहे। हमें फिर से दावत तौहीद को आम करना है, कुल जहां में फिर से जिंदा इस्लाम करना है। अल्लाह सुब्हान व तआला जो भी बातें कहीं और सुनी गई हैं उस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी बातें कहीं और सुनी गई हैं उसमें हक और सच्चाई है तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, और अगर कुछ गलत और बातिल है तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, जिससे मैं अल्लाह सुब्हान व तआला की पनाह तलब करता हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, इन तवहम परस्ती से अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। जाज़ाकुमुल्लाह खैरन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।